फरहान भाई का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो इन ऐसे मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं, जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जो इंसानियत से जुड़े हुए हैं, और जो मैं तो ये भी कहूँगा कि नरकी जीवन से भी जुड़े हुए हैं। ये नरक ही तो है और क्या है, हम इतनी इतनी बढ़िया मेट्रो गाड़ियों में घूम रहे हैं और मरने के बाद हमारे को लाश उठाने वाला कोई नहीं है यार, तो बड़ी शर्म की बात है इसकी। कौन पर्सन ही छोड़ के बस हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया था, ये प्रोजेक्ट निष्काम मानव सेवा में निःशुल्क दाह संस्कार चल रहा है और आज भी राष्ट्रीय राजधानी में आप देख रहे हैं कि लाश छोड़ के लोग चले जाते हैं। हमारे वॉरियर, हमारे ड्राइवर इस सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं। आज भी हम एक ऐसी बॉडी का, ऐसी पुण्य आत्मा का संस्कार करने जा रहे हैं जिसका कोई नहीं है। ये 25 साल का है जी, और इसको जो है क्या कहते हैं, कोई जन आके जो है हॉस्पिटल में छोड़ गए थे इलाज के लिए। 4-5 दिन से ये, 4 तारीख से ये एडमिट था GTV हॉस्पिटल में। अगर चाहते हैं कि आप इस यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, अपनी आहुति देना चाहते हैं, तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल के 8750674433 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप भी शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ मिलकर मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए, आपने इस वीडियो को जिसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के इस युग में, आज के इस दौर में क्या वाकई इंसान इतना निर्दयी हो चुका है, इतना ज़्यादा सेल्फ मेड हो चुका है कि उसको किसी और बात का ध्यान ही नहीं है, या बुजदिली इतनी बढ़ गई है, या खौफ इतना बढ़ गया है कि अगर हम देखते हैं कि कहीं कोई लाश है, कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग, कोई ज़यीफ़ है और वो ज़रूरतमंद है, हम उसको छोड़ करके चले जाते हैं। आज वाकई क्या खून के रिश्ते इतने सफ़ेद हो चुके, और क्या इतना फ़र्क पड़ चुका आज के दौर में कि अपने ही अपनों को अस्पताल की चौखट पर तड़पता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। इलाज के दौरान लोग मर जाते हैं और उनको कोई उनकी बॉडी को क्लेम करने वाला नहीं होता, ये वाकई बहुत दुख की बात है। हमने जिस तरह से देखा कोरोना के काल में, उस पीरियड में जब अपने अपनों की लाशें उठाने वाले नहीं थे, हमने देखा उस वक्त में कि जब अपने ही लोग अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन को ढूंढ रहे थे कि कहीं से मिल जाए और हम अगर वरदान साबित हो जाए, थोड़ा भी ऑक्सीजन मिल जाए और हमारा कोई अपना बच जाए, हमने देखा किस तरह से शमशानों में चिताओं को जलाया गया। हमने देखा कि एक साथ एक कब्रिस्तान के अंदर 20-20, 50-50 लाशों को दफनाया गया, लेकिन उस वक्त में भी अपने लोग साथ छोड़ रहे थे, तड़पते दम तोड़ते लोगों का उनके अपने ही दूरियां बना रहे थे, उनका साथ देने वाले कोई नहीं था। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल के मैंने आपको उस वक्त से लेकर के आज की तारीख तक हर एक पहलू से रूबरू कराया है। किस तरह से सड़कों पर कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन होता था, लोग तड़प रहे होते थे या मर जाते थे, तो अपने ही लोग कंधा देने के लिए और लाशें उठाने के लिए नहीं होते थे, उस वक्त शहीद भगत सिंह सेवा दल और वो सेवा दल जिसके रूह रवां जितेंद्र सिंह शंटी हैं, जिनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, आज इन्होंने जो काम करके दिखाया है, अब से पहले जो वीडियो में आपने देखा है, मैं चाहूँगा जो लोग हिंदुस्तान लाइव पर अभी अभी जुड़े हैं, एक मरतबा फिर से देखें इनकी इस संस्था की, इनकी इस बहादुरी की और इनके इस काबिल तारीफ़ कदम की, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, एक बार फिर से देखिए उस वीडियो को जिसमें एक नौजवान को GTB अस्पताल में न जाने उसके अपनों ने छोड़ा या किसने छोड़ा, तड़पता हुआ छोड़ गए, 3 दिन इलाज चला और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। कोई उसकी लाश को क्लेम करने वाला नहीं था, ऐसे में किसी और ने नहीं बल्कि जितेंद्र सिंह शंटी और इनकी पूरी टीम ने उसकी आखिरी रसूमात अदा कराई। उसके अंतिम संस्कार में पूरी तरीके से, जो पूरे अदब और एहतराम के साथ होता है, हिंदू रीति रिवाज के साथ होता है, यहाँ तक कि उसकी जो मुखाग्नि है, अंतिम आहुति, वो भी दी। एक बार देखिए उस वीडियो को फिर से। कौन पर्सन ही छोड़ के बस हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया था, ये प्रोजेक्ट निष्काम मानव सेवा में निःशुल्क दाह संस्कार चल रहा है और आज भी राष्ट्रीय राजधानी में आप देख रहे हैं कि लाश
छोड़ के लोग चले जाते हैं। हमारे वॉरियर, हमारे ड्राइवर इस सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं। आज भी हम एक ऐसी बॉडी का, ऐसी पुण्य आत्मा का संस्कार करने जा रहे हैं जिसका कोई नहीं है। ये 25 साल का है जी, और इसको जो है क्या कहते हैं, कोई जन आके जो है हॉस्पिटल में छोड़ गए थे इलाज के लिए। 4-5 दिन से ये, 4 तारीख से ये एडमिट था GTV हॉस्पिटल में। तो देखा आपने, शंटी जी इस वक्त में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। शंटी जी, ये किस तरीके की खबर थी, लोग हैरान हो गए ये देख कर के कि एक नौजवान महज 24-25 साल का, उसकी लाश को कोई क्लेम करने नहीं आ सका और वो 2 दिन तक तड़पता रहा, आखिरकार उसने दुनिया ही छोड़ दी। आपको कैसे पता लगा, कैसे आप पहुँचे और किस तरह से इसका अंतिम संस्कार को अंजाम दिया गया? सुनते थे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, वो खून के रिश्ते कोविड में कैसे तार तार हुए ये आप सबने देखा। लेकिन आज भी, क्योंकि ये काम तो हम 25 साल से कर रहे हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल, लेकिन आज भी ऐसे लोग जिनको हॉस्पिटल में फेंक के चले गए, पूछने नहीं आए और मरा पड़ा रहा व्यक्ति, वो 3 दिन वहाँ पे GTV थाने के एक SI राजेश जी का मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक लावारिस व्यक्ति है और लावारिस व्यक्ति का संस्कार करना शहीद भगत सिंह सेवा दल का धर्म है। मैंने कहा जी अब लेके आइए, मैं उसका संस्कार करूँगा। वो 25 साल का जवान बच्चा था जी, और मैं समझता हूँ कि कोई चाहे TB हो चाहे कोई भी बीमारी है, कोई कमज़ोर लग रहा था, बट आप ये देखिए कि जब वो पैदा हुआ होगा, घर होगा, बहन भाई होंगे, माँ बाप होंगे, पड़ोस होंगे, रिश्तेदार होंगे, यानी कोई आने को तैयार नहीं। मुझे शेर याद आता है कि मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे हम। मतलब राष्ट्रीय राजधानी में ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि जब कोई लावारिस ऐसा मर जाए तो कोई उसका सरकारी इंतदाह संस्कार हो जाए, सरकारी कफन दफन हो जाए। मैं आज भी कहता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी में हमको जो इंतजाम करने चाहिए उसमें बहुत पीछे हैं, सच बोलो और कंट्री से हम बहुत पीछे हैं, इसलिए हमने अपना फ़र्ज निभाया। लेकिन मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस का भी बधाई दूंगा, दिल्ली पुलिस को भी धन्यवाद करूंगा कि उनके जवान ये सेवा करते हैं, कोविड में भी करी, आज भी करी उन्होंने, उनको कई जवान शहीद भी हुए। इस लाश को भी वही लेके आए, एक राजेश जी थे GTV पुलिस स्टेशन से, हमने अपना फ़र्ज निभाया। हम रोज़ कराते हैं, 2-3 ऐसी रोज ही कराते हैं, लेकिन मैं सच बोलूँ आप, लगता नहीं है कि हम राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं, क्योंकि लोगों के खून सफ़ेद हो चुके हैं, रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, किसी तरीके का रिश्ता नहीं है, सब मतलब के हैं, सब सुखों के हैं। और गुरबाणी में लिखा है कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौह दिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, कोई ना आवत नहीं रहे, कोई पास नहीं आता जी। जब यथार्थ कि सुख जब होता है सारे आके बैठते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे खाते पीते हैं, और जब दुख की घड़ी आती है कोई पास नहीं आता है, कोई हाथ नहीं। और मैंने तो कोविड में बहुत कुछ देखा जी, बच्चों ने भी कई जगह हाथ लगाने से मना कर दिया बाप की लाश को, और जब ले जाने लगे तो किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, जेब में से मोबाइल निकाला, मरे पड़े बाप के अंगूठे लगवाए, ये सब मैंने देखा अपनी आंखों से। मेरे पास वीडियोस भी हैं उसकी, बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन वो कहर था, आज तो कहर नहीं है। आज तो चाहे लोग उसको कर सकते हैं एक दूसरे से मिलकर, लेकिन आपको भी अगर पूरी दिल्ली में कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसका कोई करने वाला होना हो, जिसका कोई नहीं, उसका जितेंद्र सिंह शंटी शहीद भगत सिंह सेवा दल है। शंटी जी, जब आपको कोई कॉल आती है या आपको पता लगता है इस चीज़ का कि कहीं कोई लाश पड़ी है और वो किसी हिंदू की है, किसी मुस्लिम की है, आप बिल्कुल मतलब धर्म से, जाति से, प्रांत से, हर चीज़ से ऊपर उठ करके उसकी उसके अंत्येष्टि में लग जाते हैं, उसके दफीने में लग जाते हैं, ऐसे बहुत से काम आप तक करते आ रहे हैं। आप संक्रमित भी हुए, आपका परिवार भी संक्रमित हुआ, कोई डर नहीं लगता इन चीज़ों से आपको? मेरे लिए वो लाश नहीं है, मेरे लिए वो पवित्र आत्मा है। आप बिलीव करेंगे कि जहाँ मैंने हिंदू मुस्लिम का कराया, वहाँ मैंने क्रिश्चियन लोगों का भी सीमापुरी शमशान घाट में जलाकर संस्कार करना पड़ा, क्योंकि उनके ग्रेवयार्ड में जगह नहीं थी दफनाने की। तो फादर जो बॉडीज लाए थे वो कहने लगे आप जला दीजिए प्लीज़, हम अपने रिचुअल यहीं कर लेंगे और जो उनकी एशेज है उसको दफना देंगे जाके थोड़ी सी जगह में। वो भी करना पड़ा मजबूरी में हमको, ये भी किया आप लोगों ने? हाँ, 13 करवाए मैंने, 1-2 नहीं, 13 का रिकॉर्ड है मेरे पास जो मैंने सीमापुरी में कराए, और बाप बेटा तक थे एक परिवार से, मिस्टर चिरियन थे, क्रिश्चियन थे, मैंने कराया उनको दोनों को। फादर जो GTV इंक्लेव वाले थे वो मेरे पास रोज़ बॉडी लाते थे, 1-2 रोज़ लाते थे, वो अपने जो उनके क्रॉस लगा के रिचुअल करना, प्रेयर करना सब करते थे, लेकिन हम प्रॉपर उनका विधिवत संस्कार कराते थे, निःशुल्क कराते थे,
और ऐसी आपको पता है ये 4200 क्रिमेशन हमने किए हैं कोविड के, 4200 का रिकॉर्ड है हमारे पास। मैंने भी बहुत कवर किया है, आप बहुत किया लाइव करा आपने, बिल्कुल लोगों को दिखाया है। आप क्या वजह समझते हैं इसकी और जिम्मेदार किसको मानते हैं? जैसे आपने कहा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं नेशनल कैपिटल की, और यहाँ पर जो शव हैं वो पड़े रहते हैं, कोई क्लेम नहीं करता, अपने लोग छोड़ कर के चले जाते हैं अस्पतालों में, तो इसके लिए आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबको जिम्मेदार मानते हैं, लोगों के साथ, आवाम के साथ साथ? सबसे पहले तो एक कानून आना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर अगर डेथ होती है तो उसका टोटल बिल माफ़ होना चाहिए। 25-25 लाख इन्होंने बिल बना के लाशें रख ली अपने पास, और आज भी 1 लाख भी है तो लाश नहीं देते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जबकि 2017 में एक चार्टर आया था सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी डेड बॉडी है उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कोई उस चार्टर को नहीं मान रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं मान रहा है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब ये पास हो जाएगा कि लाश छोड़नी ही पड़ेगी तो जल्दी से पहले तो मरने नहीं देंगे, उसको वेंटिलेटर पर भी नहीं डालेंगे, बता दूं मैं आपको। हॉस्पिटल वाले जो ये दुकानदारियाँ चला रहे हैं ना, ये आप एक बड़ी मज़ेदार बात देखिए कि राजधानी के अंदर हज़ारों लाखों लोग मरे लेकिन एक हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, ये छोटी बात थोड़ी ना। यानी आपने सबको क्लीन चिट दे दी। आपके सामने जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के अंदर 25 लोग एक रात में मर गए भाई, ये छोटी बात नहीं है। आप सबको कहते हैं हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, आप सांस फ्री नहीं दे सके यार। दिल्ली के अंदर सांस फ्री नहीं मिली लोगों को। एक सिलेंडर जो 500 रुपये का था 50-50 हज़ार रुपये का बिका, एक शव वाहन जो 2000 रुपये का होना चाहिए 50 हज़ार भी नहीं, लोगों ने सरेआम लिए, लोगों ने गुंडागर्दी से लिए, लोगों ने क्या करा आपने, कितने लोगों पे केस हुए। तो इसलिए तो आप ये मानते हैं दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार इसकी जिम्मेदार है? फेलियर है जी, जिम्मेदार क्या होता है, मैं डर के बोलूंगा। तो क्या इसके लिए मैकेनिज्म सेट नहीं किया जाना चाहिए? सेंटर को भी, मोदी जी को चाहिए या मोदी सरकार को चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए सेंट्रल, कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और इस जिम्मेदारी को खुद निभाएं। अब क्योंकि देश के प्रधान सेवक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता जितेंद्र सिंह शंटी जी के इतने बड़े काम को जब आखिरी सफ़र पे अब आदमी है, मृत्यु हो जाती है, तो अगर विफल है दिल्ली की सरकार तो अब उसमें केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और पूरे आदर सत्कार सम्मान के साथ में उसका अंत्येष्टि करना चाहिए। मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि जब दिल्ली सरकार फेल हुई कोविड में, तभी तो होम मिनिस्टर जी को सड़क पे उतरना पड़ा, तभी तो मिलिट्री को उतरना पड़ा, फेलियर तो ही साबित हो गया। और आज अगर जब एक छोटी सी संस्था हमारी शहीद भगत सिंह सेवादल ये मोर्चा संभाल सकती है तो प्रशासन क्या नहीं कर सकता है, ये प्रयास ही नहीं करते हैं। इनके पास डेड बॉडी के बैग नहीं थे उस समय, इससे बड़ी और क्या बात है। उनके पास किसी को ये नहीं पता डेड बॉडी के बैग होते क्या हैं। इनके पास एम्बुलेंसें नहीं थी, शव वाहन नहीं थे, इनके पास कुछ भी इंतजाम नहीं था भाई। आप देखिए ना, आनन फानन में JCB से खड्डे खोद रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब सब नाटकबाजी थी। अगर हम सीमापुरी शमशान घाट में हम ना संभालते मोर्चा, बिल्कुल आप बिलीव करेंगे कि एक रात में मैंने 196 भी कराई है, 26 अप्रैल का दिन, मैं भूलता नहीं वो दिन 26 अप्रैल को 3 शमशान घाट, एक सीमापुरी, एक गाजीपुर और एक कड़कड़ुमा, 497 डेड बॉडी आई है एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर, उसका रिकॉर्ड है। सबकी आपने जो है अंतिम क्रिया करी? मैंने 196 की है, बाकी 3 का बता रहा हूँ, 497 मुझे कमिश्नर और MCD ने ये सारा रिकॉर्ड दिखाया। करा शंटी जी, वो कहर का दिन था, वाकई कहर का दिन था जी। ये बताइए, हम चलो शमशान घाट तो MCD के हैं, मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ता कौन MCD का कौन क्या है, लेकिन चलो उस समय भी इंतजाम नहीं हुए, दूसरी बार भी नहीं हुए, अब क्या करा है इन्होंने, अब कहाँ इंतजाम है इनके पास, कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम। अच्छा शंटी जी, एक छोटा सी बात को जी, जी GTB हॉस्पिटल के अंदर 25 वेंटिलेटर लगे हुए हैं, चलाने वाला एक भी ऑपरेटर नहीं है। सफाई कर्मचारी जाता है, बटन ऑन कराता है, बटन ऑफ कराता है, जाके देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, आप सिंक कर लीजिए। मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। जाने नहीं देंगे आपको, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, ये बात रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, हैं तो मुझे उनकी लिस्ट दीजिए, ऑपरेटर चलाने उनकी लिस्ट दीजिए। GTB हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस, आवाज़ उठाई इसके लिए? हाँ जी, बहुत उठा ली। GTB हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खड़ी है एक, उसमें ड्राइवर नहीं है, और उसकी लॉक बुक निकाल के देख लो कितने साल से नहीं चली है, पैसे का सत्यानाश कर रहे हैं ना जी। GTB हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है लेकिन ब्लड लेने वाली एम्बुलेंस जो वैन होती है वो नहीं है, ब्लड डोनेट कैसे करेंगे लोग, कहाँ करेंगे। मैं तो हैरान हो गया, पीछे ब्लड कैंप था, GTB हॉस्पिटल के डॉक्टर बेचारे जो इतनी मेहनत करते हैं ब्लड बैंक में, ई रिक्शा में जा रहे हैं सामान लेके। मैंने कहा आपके पास गाड़ी नहीं है क्या? कह रहे हैं एम्बुलेंस खड़ी है, ड्राइवर नहीं है। ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का इंतजाम ये नहीं संभाल पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ बातें हो रही है, मुफ्त ले लो, मुफ्त ले लो, मुफ्त ले लो। अरे भैया आप जान तो लोगों को मुफ्त दे नहीं सकते हैं, और क्या देंगे आप,
मेरा ये कहना है ये टोटल फेलियर काम है। चलिए आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपने एक बहुत पुण्य का काम किया जैसे करते ही आ रहे हैं पिछले कई सालों से, ये जो नौजवान था जिस तरह से आपको थाने से खबर मिली और आपने जाकर के फिर उसके अंतिम संस्कार किया, क्या शंटी जी आपको ये नहीं लगता कि जो लोग इसके घर वाले छोड़ के गए होंगे उन्होंने खबर ली होगी या नहीं कि वो आज पता कर सकें, वो जिसको अपने बच्चे को फेंक करके आए थे वो अब दुनिया में नहीं रहा और उसका आपने अंतिम संस्कार किया? पहले तो ये निश्चित ही नहीं है कि उसके माँ बाप जमा करा के गए भी नहीं, ये भी निश्चित नहीं है, हो सकता है कोई रास्ता चलता उठा के गाड़ी में दे गया हो, लेकिन इंसानियत तो यही मरती है ना जी कि जब कोई मर जाता है तो कोई उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मैं जिस गाड़ी में घूमता हूँ अभी मैं दिखाऊँगा आपको, मैं उस गाड़ी में स्ट्रेचर, डेड बॉडी वाला बैग, अपने ग्लव्स, सैनिटाइजर सब साथ रखता हूँ, पता नहीं कब लाश मिल जाए रास्ते में और मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आनी पड़े और पता नहीं कोई जख्मी मिल जाए और मेरे ले जाने से शायद बच जाए वो। तो अगर मैं एक अकेला बंदा प्रयास कर सकता हूँ, मैं अकेला मिलिट्री के रूप में काम कर रहा हूँ, तो वो ये क्यों नहीं कर सकता प्रशासन दिल्ली का, मुझे बताइए ना आप। इनके पास तो सब कुछ है, बहुत कुछ है इनके पास, तो ये तो लोगों को फ्री बांट रहे हैं, सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, एक जीवन नहीं बांट सकते हैं, तो इनको अपनी गलती माननी चाहिए ना। बिल्कुल, आपका कोई नंबर एक मरतबा फिर जिससे लोग आपकी मदद ले सकते हैं? पूरी दिल्ली में किसी को भी इस प्रकार की डेड बॉडी मिले, मेरा नंबर है 8750674433, और हमारे को फ़ोन करने से पहले आप स्थानीय थाने में या 112 पे फ़ोन जरूर करें, क्योंकि एक प्रोसेस है ये पुलिस का, क्योंकि पहले ऐसा ना हो कि हम बॉडी उठा के ले जाएं, पेशेंट को ले जाएं और बाद में पता लगे पुलिस वालों को पता ही नहीं उस एरिया में कॉल ही नहीं की। और वो पुलिस को कहने का एक फ़ायदा है कि वो वायरलेस कर देते हैं कि फला बंदा मिला था, उसकी जेब में ये मिला, इस रंग के कपड़े पहने थे, तो कई बार उनके परिवार वाले आ जाते हैं। बिल्कुल, तो वो साधन हमारे पास नहीं है। पहले आप 112 पे फ़ोन करिए, फिर आपको लगा कोई उठाने वाला नहीं, आप जितेंद्र सिंह छंटी का फ़ोन कीजिए, जितेंद्र सिंह छंटी यहाँ पे आके आपको पूरी सेवा देगा इस बात पे। 87 नंबर रिपीट कर दें, 8750674433। मैं फरहान भाई का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो इन ऐसे मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं, जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जो इंसानियत से जुड़े हुए हैं, और जो मैं तो ये भी कहूँगा कि नारकी जीवन से भी जुड़े हुए हैं। ये नरक ही तो है और क्या है, हम इतनी बढ़िया मेट्रो गाड़ियों में घूम रहे हैं और मरने के बाद हमारे को लाश उठाने वाला कोई नहीं है यार, तो बड़ी शर्म की बात है इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह शंटी जी, और जिस तरह से आपने अपने इन तमाम ख्यालात को रखा, लोगों को बताया, आज मैं आप लोगों के समक्ष जितेंद्र सिंह शंटी को इस बुनियाद पर भी लेकर के आया हूँ, जिस तरह से मैंने इनका और इनकी पूरी संस्था का, शहीद भगत सिंह सेवा दल का काम देखा है, ख़ासतौर से कोरोना के उस काल में और आज तक देख रहा हूँ, जैसे इस नौजवान का कोई क्लेम करने वाला बॉडी का नहीं था, अगर उसका कोई नहीं था तो ऊपर खुदा था और नीचे जितेंद्र सिंह शंटी और इनकी पूरी टीम थी। पूरे आदर सत्कार के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की, और बाकायदा इन्होंने, इनके ड्राइवर और इनके बाकी तमाम लोगों ने मिलकर के 25 साल के उस नौजवान को जहां उसकी आखिरी मंजिल थी वहां तक उसको पहुंचाया। मैं आज आप लोगों से भी पुनः इस बात के लिए कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, कहीं भी आप अगर किसी को देखें बिलखता तड़पता, या कहीं आप किसी शव को, किसी लाश को देखें, घबराया ना करें, कम से कम इतना तो कर दें कि पुलिस को आप कॉल करें जैसे जितेंद्र सिंह शंटी ने बताया, और साथ ही साथ इनका नंबर भी इन्होंने दिया है कि आप लोग कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, न दिन देखते न रात देखते और इसी तरह से लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कम अज़ कम खुदारा आज कल के वो लोग जिनका वाकई खून सफ़ेद हो चुका, जिनके अपने आज अपने नहीं रहे हैं, कम से कम उनके लिए आप और हम जितेंद्र सिंह शंटी जैसे लोग तो मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।